हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम स्टाइल कुकिंग बाय पूजा। तो फ्रेंड्स, आज हम एक फिश की रेसिपी देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन सी फिश है और उसको हम किस तरह से बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल एक फिश की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये जो फिश है इसे महाराष्ट्र में न्यूटे बोलते हैं, गुजरात में लेपटे बोलते हैं और इसका इंग्लिश नाम है मड स्किपर। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से साफ करके लिया है। इसका सर का पोर्शन जो होता है वो मैंने निकाल दिया है और सिर्फ पिछला वाला हिस्सा हम इसमें यूज करेंगे। तो ये हम एकदम ड्राई बनाने वाले हैं। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी स्वादानुसार नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, तीखा इसमें आप अपने हिसाब से डालिए। गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, 4-5 कली लहसुन की मैंने कूट के ली है, 4-5 कोकम को मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रखा था तो वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो आज मैं इसे एकदम सिंपल तरीके से दिखाने वाली हूँ आपको, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये फिश। और अब सारे मसालों को अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे अपने फिश को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले मैं इसमें ये थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ और फिर से एक बार इसे मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि ये जो फिश है वो एकदम डेलिकेट होती है, तो बाद में हम अगर हरा धनिया इसमें डालने जाएंगे तो वो सब तरफ नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने ये अभी इसमें डाला है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फिश को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा लहसुन मैंने मोटा मोटा सा कूट के लिया है, वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। तो ये लहसुन खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी ये फिश को थोड़ी सी फिशी स्मेल होती है, इसके लिए भी लहसुन अगर थोड़ा ज़्यादा हम डालेंगे तो ये और भी टेस्टी लगेगी। लहसुन को हल्का सा मैं ब्राउन होने देती हूँ और अब इसमें अपनी एक एक फिश छोड़ दूंगी और गैस की फ्लेम हम एकदम स्लो रखेंगे। और अब सारी फिश को हम एक साइड से अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पे अपनी फिश एक साइड से अच्छे से पक गई है तो अब मैं इसे पलट दूंगी और पलटते समय हम एकदम हल्के हाथ से पलटेंगे, क्योंकि यह फिश बहुत ही डेलिकेट होती है। तो फ्रेंड्स, आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइए। ये फिश अगर आपने कभी खाई नहीं है तो एक बार इस तरह से बना के ज़रूर खा के देखिए, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ये फिश को पलट दिया है, अब दूसरे साइड से भी एकदम इसको ड्राई होने तक मैं पकने दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे अपनी फिश जो है वो दोनों साइड से एकदम अच्छे से क्रिस्प हो गई है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हरे धनिए से गार्निश कर देती हूँ और यहाँ पे अपनी न्यूटी फ्राई मतलब के मड स्किपर फ्राई तैयार हो गई है। और आप देख सकते हो दिखने में भी कितनी ये सुंदर दिख रही है और खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे ऐसी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू।